हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू। हम पढ़ रहे थे क्वार्टाइल्स और साथ ही हमने डेकाइल्स परसेंटाइल भी सीखे अंडर रॉ डेटा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बेटा, दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा। आपको एक्स और एफ गिवन है। इट कुड बी वेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट कुड बी मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। इस तरह का डेटा डिस्क्रीट डेटा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? तो रिकॉल, हम मीडियन पढ़ चुके हैं। तो बेटा, जब मैंने आपको मीडियन पढ़ाया तो मैंने बोला था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा में फर्स्ट स्टेप इज सीएल। तो यहां पे हम मीडियन भी लेंगे आज, क्वार्टाइल भी, डेकाइल भी, परसेंटाइल भी। मीडियन वाली अप्रोच काम आएगी। मीडियन में फ्रैक्शन था हाफ ऑफ एन, एन बाय टू। आज फ्रैक्शन बदल जाएंगे। क्वार्टाइल वन होगा तो वन बाय फोर ऑफ एन, क्वार्टाइल थ्री होगा तो थ्री बाय फोर ऑफ एन, डेकाइल वन होगा तो वन बाय टेन ऑफ एन, डेकाइल थ्री होगा तो थ्री बाय टेन ऑफ एन, परसेंटाइल 23 होगा तो 23 अपॉन 100 इनटू एन। तो लेट्स सी अप्रोच मीडियन वाली है। मीडियन अगर आपको थरोली आता है तो इट्स अ रिपीटेशन एक्सरसाइज। तो लेट्स फाइंड ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग मीडियन। पहला स्टेप सीएल। मीडियन के लिए हाफ ऑफ कैपिटल एन प्लस वन, रॉ और डिस्क्रीट में प्लस वन होता है, कंटिन्यूअस में प्लस वन नहीं होता है। एन इज 139 यहां रखते हैं। 139 प्लस वन 140 डिवाइड बाय टू 70। नाउ लोकेट 70। 70 होता तो उसको राउंड ऑफ करते, बट 70 नहीं है तो उससे बड़ा, 70 से बड़ा है 78, एंड वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट द मीडियन व्हिच इज 8। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस। अब सेम वे क्वार्टाइल 1/4 का एन प्लस वन, एन रखते 139 प्लस वन 140 डिवाइड बाय 4 इज 35। 35 भी नहीं है तो उससे बड़ा, दिस इज Q1। Q1 इज 6। तो इंपॉर्टेंट है सीएफ निकालना, फिर ये फ्रैक्शन निकालना और उसके अकॉर्डिंगली ब्रैकेट बनाना। उस ब्रैकेट का x हमारा रेस्पेक्टिव वैल्यू होगा। Q3 3/4 का n प्लस वन, सो दैट वुड बी 105। 105 से बड़ा है, Q3 इज 10। ठीक है। नाउ हियर मीडियन इज इक्वल Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। मीडियन है 8 और यह है 10 प्लस 6 अपॉन 2, 8 इक्वल टू 8। बट ये आइडेंटिटी हर बार नहीं लगती है बेटा, तो इट्स नॉट अ फॉर्मूला। मीडियन मे बी इक्वल टू Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 और मे नॉट बी। हमने रॉ डेटा में देखा था इट में नॉट बी, इवन डिस्क्रीट में मे नॉट बी वाला केस भी होता है। आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। अभी भी हम लेते हैं साथ ही साथ डेकाइल्स एंड परसेंटाइल। से डेकाइल 8/10 ऑफ एन प्लस वन, सो 8/10 ऑफ 140 इट्स 112 से बड़ा भी यही है, 112 से बड़ा भी यही है। तो योर डेकाइल 8 इज ऑल्सो 10। बट हाँ, अगर हम डेकाइल 9 निकालें तो कुछ और आ सकता है। 9/10 एन प्लस वन 126 से बड़ा ये वाला है यहां, सो इट्स डेकाइल 9 इज 11। नाउ ऑब्वियसली डेटा अरेंज होता है तो डेकाइल 8 छोटा होगा, डेकाइल 9
बड़ा होगा, डेकाइल वन सबसे छोटा होगा। परसेंटाइल लेते हो, परसेंटाइल 32, सो इट्स 32/100 एन प्लस वन, सो वी नीड टू फाइंड 32 × 140 डिवाइड बाय 100, 44.8। 44 से बड़ा ये वाला वैल्यू होता है, 44 से बड़ा ये है तो 7 हो गया हमारा, परसेंटाइल 32 इज 7। तो ये था बेटा डिस्क्रीट डेटा। ओके, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक परसेंटाइल और निकाले, परसेंटाइल 68 upon 108 n+1, सो इट वुड बी 68 × 140 डिवाइड बाय 100, 95.2। 95 से बड़ा है ये वाला, तो 10 आ रहा है। तो देखा बेटा, अगर आपको मीडियन वाली अप्रोच पता है तो सेम अप्रोच अप्लाई टू क्वार्टाइल्स, डेकाइल्स, परसेंटाइल। बस एक टेक्निक को पकड़ना है, उसको फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है। अब हम लेते हैं कंटिन्यूअस डेटा। आप एक बार कॉपी कर लें, कंटिन्यूअस डेटा हम एक्सक्लूसिव ले रहे हैं। Let this be some data. I repeat, मैंने एक्सक्लूसिव लिया है, लेकिन अगेन अगर डेटा इंक्लूसिव है, लेस देन है, मोर देन है या मिड वैल्यू फॉर्मेट है, आपको उसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो ये बेटा छोटी छोटी बातें याद रखनी है। डिफॉल्ट फॉर्मेट, यहां पर जो फॉर्मेट चाहिए दैट मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूसिव, जहां खत्म वहां शुरू। पहला स्टेप सी एफ, हम मीडियन को रिपीट करेंगे ताकि आप रिलेट कर सके कि ये सिमिलर टू क्वार्टाइल, डेकाइल, सब सिमिलर। दे आर अ फैमिली ऑफ पार्टीशन वैल्यूज, फ्रैक्टाइल्स, पोजिशनल वैल्यूज। मीडियन के लिए हम देखेंगे हाफ ऑफ एन, प्लस वन की आदत छोड़नी है, रॉ में प्लस वन, डिस्क्रीट में प्लस वन, यहां नो प्लस वन। सो हाफ ऑफ एन, हाफ ऑफ 200 इज 100, हाफ ऑफ एन विच इज 200, हाफ ऑफ 200 इज 100, 100 नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ब्रैकेट बनाए, हमारा मीडियन क्लास मिल गया। मीडियन इज समवेयर बिटवीन 40 and 50, n1 + n/2, यहां n/2 है क्योंकि मीडियन है। जब हम क्वार्टाइल या डेकाइल लेंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज होगा, -c/f(i). तो लेट्स पुट द वैल्यूज, l1 जो हमने ब्रैकेट किया मीडियन क्लास, उसका लोअर वैल्यू होता है 40 + n/2, we have it 100. C is the value prior to this, so it's 80. F frequency which we have rounded off, frequency is 50 and the interval is 10. So it's 20, 200, 200 upon 50 is 4, so it's 44. 40 + 4, so ye to median repeat hua. Okay, प्रैक्टिस होगी। अब हम लेते हैं क्वार्टाइल्स, दोनों एक साथ लेते हैं। क्वार्टाइल वन के लिए चाहिए हमें 1/4 of n, जो हो जाएगा 1/4 of 250। नाउ वी डोंट हैव द 50, सो
80 को गोला करेंगे एंड विल अप्लाई द फॉर्मूला एल वन प्लस एन बाई फोर, ये आप 1 भी लिख सकते हैं, माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, ये चेंज होता रहेगा बेटा अकॉर्डिंग टू व्हाट वी आर फाइंडिंग। एल वन इज 30। देखो आपको लगेगा कि भाई इसमें सिर्फ ये चेंज हुआ है, ये चीजें चेंज नहीं हुई है, ऐसा नहीं होगा। हम जो राउंड ऑफ करते हैं वो ब्रैकेट चेंज हो जाता है, तो एल वन भी चेंज होगा, एफ भी चेंज होगा, सी भी चेंज होगा। हाँ कॉमन इंटरवल्स हैं तो आई वोंट चेंज, और अनइवन क्लासेस में आई कैन ऑल्सो चेंज। तो एल वन पहले 40 था लेकिन अब 30 हो गया, एन बाय फोर 50 है, सी इसके पहले वाला 40, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो यहां 40 एंड इंटरवल इज 10। सो 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 40 इज 2.5, 2.5 एंड 30, 32.5। नाउ Q3 के लिए चाहिए हमें 3/4 ऑफ n विच इज 150। नाउ 150 खुद मिल गया, 150 खुद मिल गया। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर वो क्लास खुद मिल जाए तो उसको गोला कर सकते हैं। तो हम इसको ही राउंड ऑफ करेंगे, एल वन प्लस 3/4 ऑफ एन माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। एल वन इज द लोअर वैल्यू विच इज 50, दिस इज 150, सी इज द वैल्यू प्रायर टू दिस सो दैट इज 130, एफ एफ इज दिस वैल्यू, दिस इज 20 अपॉन 21, 1 इंटू 10 इज 10, 50 प्लस 10 इट इज 60, इट इज द लास्ट वैल्यू। ओके है 50 टू 60 रेंज में, तो ये हो गया आपका मीडियम और क्वार्टाइल। अब हम लेते हैं डेकाइल और परसेंटाइल, अप्रोच वही रहेगी बेटा। ओके ये फ्रैक्शन जो है ये बदल जाएंगे, जैसे यहां पहले मीडियम में n बाई टू था, क्वार्टाइल 1 में n बाई फोर, यहां 3/4 है, बाकी सारी चीजें फॉर्मूले में सेम रहती है। तो फॉर्मूला मल्टीपल लर्न करने का इतना टेंशन नहीं है, सिर्फ n वाला आइटम चेंज होगा, बाकी सारे एज सच। अप्रोच भी वही, सी एफ निकालो, ब्रैकेट बनो। तो बेटा इफ यू नो मीडियम यू नो देम ऑल, स्लाइट चेंज है बस। लेट्स टेक अ डेकाइल, से डेकाइल 8, इट्स 8 बाय 10 ऑफ n, 160 से बड़ा है ये, 170। सो D8 इज L1 प्लस 8 बाय 10 ऑफ n माइनस c होल अपॉन f इंटू i। सो L1 इज 60 प्लस 8 बाय 10 ऑफ n इज 160, c इज द वैल्यू प्रायर टू दिस विच इज 150, f इज द फ्रीक्वेंसी विच इज 20 इंटू 10। So 10 into 10, 100, 100 upon 20 is 5, 60 plus 5, 65, so 65 is our decile 8. Let us take a percentile 92, so it's 92 upon 100 into n, which would be 184. Now 184 se bada hai ye, last class, so P92 हो जाएगा L1 प्लस 92 अपॉन 100 टाइम्स n माइनस c अपॉन f इनटू i। L1 इज 70 प्लस 92 अपॉन 100 n हमने निकाला हुआ है 184 माइनस c, c इससे ऊपर वाला, सो c इज 170, f दिस टाइम इज 30 इनटू 10, so it's 140 upon 30, 140 divided by 30, 4.66, so this is 74. तो देखा बेटा ये था हमारा अप्रोच। तो आज हमने क्या सीखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं।
आज हमने सीखा कि बेटा जो क्वार्टाइल डेकाइल परसेंटाइल है दे आर वेरी सिमिलर टू अवर मीडियन एंड इन सबको हम क्या कहते हैं जॉइंटली रिकैप कर ले दीज आर कॉल्ड पोजिशनल वैल्यूज पार्टीशन वैल्यूज और फ्रैक्टाइल्स मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऐसा नहीं कोई भी दो पार्ट्स कि भाई एक फाइव स्टार है उसके हमने अनइवन दो टुकड़े कर दिए नहीं बराबर बीच में मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स क्वार्टाइल्स आर दोस थ्री वैल्यूज क्वार्टाइल्स चार नहीं होते बेटा क्वार्टाइल आर दोस थ्री वैल्यूज विच डिवाइड्स द डेटा इनटू फोर इक्वल पार्ट्स 25% नेक्स्ट 25% नेक्स्ट 25 नेक्स्ट 25 मैंने परसेंटेज में बोला है या वन फोर्थ पे हाफ पे थ्री फोर्थ पे हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन क्यू वन द नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन क्यू वन इज 25% द नंबर ऑफ वैल्यूज मोर देन क्यू वन 75% द नंबर ऑफ वैल्यूज मोर देन क्यू थ्री 25% The number of values less than Q3, 75%. The number of values between Q1 and Q3, 50%. 75 minus 25, या 3/4 minus 1/4. तो इस तरह के questions भी आते हैं बेटा. Then, deciles are those 9 values which divide the data into 10 equal parts. Octiles are those 7 values which divide the data into 8 equal parts. And finally, percentiles P1 से P99 यानी those 99 values which divides the data into 100 equal parts जैसे मैंने आपको सिखाया कि median को ओजाइव या cumulative frequency curve से निकाल सकते हैं तो the same applies to the whole family यानी हम median, quartiles, deciles, octiles, percentile ये सब ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे ये हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे उसके लिए इंतजार कीजिए तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वी हैव फिनिश्ड वन सेक्शन इन फुल डिटेल जिसमें हमने मीन की सारी वैरायटी वेटेड कंबाइंड रॉन्ग देन मीडियन क्वार्टाइल डेकाइल मोड रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड ये सब हमने कवर कर लिया आज मैं सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का भी एलिमेंट बताता हूं अभी एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो आप सबके लिए नया होगा क्योंकि ये 11th क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता ओके विल बिगिन फ्रॉम जीरो बट पहले सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डेटा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पहले आप नोट करें फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जेड इक्वल टू एन इक्वल टू स्ट्रेंज फॉर असिमेट्रिकल डेटा जो क्या होता है अभी लेंगे लेकिन आप लर्न कर लें फॉर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मोड मीडियन ऑल आर इक्वल ऑल आर एग्जैक्टली द सेम आई विल गिव यू होमवर्क टुडे एक सिमेट्रिकल डेटा दूंगा आप खुद मीन मीडियन मोड निकालना एंड फॉर योरसेल्फ ऑब्जर्व एंड डू लेट मी नो एंड ये तो हमने पढ़ा था रिपीट कर रहे फॉर मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जेड इज इक्वल टू 3m - 2x बार यानी बेटा रिलेशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखता है तो हम उसको मॉडरेटली असिमेट्रिकली गिनेंगे बट इफ द क्वेश्चन सेज डेटा इज सिमेट्रिकल देन एंड देन ओनली मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल नाउ ये वीडियो डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं तो आप ये म्यूजिक सुन सकते हैं बेटा म्यूजिक के साथ ही कंटिन्यू करते हैं हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल डेटा फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा होता है बेटा कि जो क्लास इंटरवल्स है उसके सामने फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है ठीक है अगर फ्रीक्वेंसी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग विद सेम वैल्यूज तो वो सिमेट्रिकल है एग्जांपल लेते हैं
Now see this data. 20 यहाँ तो 20 यहाँ, 30 यहाँ तो 30 यहाँ, 50 यहाँ तो 50 यहाँ और 200 बीच में. This is symmetric. आपने 7th, 8th, 9th क्लास में symmetrical shapes पढ़े होंगे. ताजमहल symmetrical है बेटा. ताजमहल की जो डिजाइन इस तरफ है वो इस तरफ है. या वी आर सिमेट्रिकल. ये एक कान इधर तो एक कान इधर, नहीं एक कान इधर और एक कान इधर नहीं है. तो हमारी बॉडी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में सिमेट्रिकल है. ओके, नाउ इस डेटा को आप सॉल्व करेंगे. दिस इज माय होमवर्क टू यू ऑफ कंटिन्यूअस डेटा. फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड एंड टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज. अच्छा, फिर आप फ्रीक्वेंसी ले लें. इस बार मीन मोड मीडियन सेम नहीं आएगा कि इधर फ्रीक्वेंसी 100 ज्यादा है 30 कम है, 60 ज्यादा है 20 कम है, 30 ज्यादा है 10 कम है. यानी सिमेट्री नहीं है. तो ये असिमेट्रिकल डेटा है. तो इस बार मीन मोड मीडियन आपके अनइक्वल आएंगे. डू लेट मी नो. ओके, तो दैट्स ऑल. नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक पढ़ते हैं. हैव अ नाइस डे.